कहते थे कि जो इक्वेशन का कोई मतलब ना हो उस इक्वेशन को लिखने से क्या फायदा। एक इक्वेशन नहीं रहती है अगर वो किसी रियल वर्ल्ड फिनोमेना को एक्सप्लेन ना करे, कुछ रियल में जो नेचर में हो रहा है उसके बारे में ना बता पाए, तो वो कैसी इक्वेशन। तो वो कौन थे? वो थे हमारे श्रीनिवास रामानुजन। तो मैं आपको नेशनल मैथमेटिक्स डे की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और ये आशा करता हूँ कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। ठीक है, बहुतों के जीवन में लाया है, मेरे जीवन में लाया है, बहुत सारे लोगों के जीवन में लाया है। और ये सब्जेक्ट पढ़ के आपको सिर्फ एक फायदा होता है, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ती है। इसीलिए ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है। जब मैं भी स्टूडेंट था तो मैं अक्सर ये अपने टीचर से क्वेश्चन पूछा करता था कि सर हम ये ट्रिग्नोमेट्री, ये अलजेब्रा, ये कैलकुलस, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब क्यों पढ़ते हैं। तो सर का बस एक ही जवाब होता था कि ये तुम्हारी एनालिटिकल स्किल्स को बढ़ाता है। एनालिटिकल स्किल्स उस समय मुझे समझ में नहीं आती थी, बट आज पता लगता है कि वास्तव में एनालिटिकल स्किल होता क्या है। जब हम किसी भी सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तब हमें मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि हमारी सोचने की शक्ति बढ़ जाती है, चीजों को एनालाइज करने की पावर बढ़ जाती है। इससे जो बेनिफिट होता है वो किसी एक और खुशी से बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि इसी से हम अपना जिंदगी बनाते हैं। आप जीवन में पैसा कमाते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपना परिवार बनाते हैं, सब कुछ पढ़ाई से ही है। तो पढ़ना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों, सीखना बहुत जरूरी है, और मैथमेटिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि आजकल जितने भी कोर्सेज आ रहे हैं, आप कल को ग्रेजुएशन करने जाएंगे, मास्टर्स करने जाएंगे, कुछ भी आप करेंगे, आप मैथमेटिक्स से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि इस सब्जेक्ट को हर डिसिप्लिन में डाला ही इसीलिए गया है ताकि ये सब्जेक्ट आपकी थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ा सके, आपकी एनालाइजिंग पावर को बढ़ा सके। इसलिए इस सब्जेक्ट को पढ़ना हर उस स्टूडेंट के लिए जरूरी है जो लाइफ में अपना करियर पढ़ाई से बना रहा है। बिना पढ़ाई के सब कहते तो हैं कुछ नहीं है, ये सच बात है। आप पढ़ाई से सिर्फ पैसा नहीं कमाते, एक जॉब अच्छी नहीं लेते, आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, अपने रहने का तरीका, अपने घूमने का तरीका, आप जो भी एक्टिविटी करते हैं उसमें सबसे ज्यादा रोल आपकी पढ़ाई का होता है, आपकी एजुकेशन का होता है। किसी से बात करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये इंसान पढ़ा लिखा है, क्योंकि इसके बात करने का तरीका अलग है। किसी एक और इंसान से बात करते हैं तो आपको लगता है कि ये किस तरह से बात कर रहे हैं। तो हर चीज में पढ़ाई रिफ्लेक्ट होती है। तो मेरे बच्चों, पढ़ाई का साथ कभी मत छोड़ना, हमेशा पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। कामयाबी कब मिलेगी ये तुम नहीं जानते, मुझे कामयाबी कब मिलेगी ये मैं नहीं जानता, बस मैं प्रयास को करता रहता हूँ। प्रयास करना बहुत जरूरी है, तुम भी प्रयास को करना छोड़ना मत, हमेशा कोशिश करते रहना। ठीक है, इसी विचार के साथ हम आपको फिर से नेशनल मैथमेटिक्स डे की बधाई देते हैं। श्रीनिवास रामानुजन जो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन थे, बहुत ही प्यारे मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने ऐसी ऐसी थ्योरम्स दी हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में, रियल एनालिसिस में, मैथमेटिकल एनालिसिस में, ऐसी ऐसी थ्योरम्स दी हैं जिनका हमारे रियल लाइफ में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, और उनके बनाए हुए कॉन्सेप्ट्स आज भी लोग इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हम इंडियन मैथमेटिशियन के नाम से कोई डे सेलिब्रेट करते हैं। दुनिया में ऐसा बहुत कम होता है कि इंडियन मैथमेटिशियन को रिकग्निशन मिले, एक पहचान मिले, लेकिन कुछ मैथमेटिशियन ऐसे हैं जो इंडिया में पढ़े हैं, इंडिया की पढ़ाई से उन्होंने जाने कितने रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च पेपर्स लिख रहे हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ, मैंने भी 3 रिसर्च पेपर अपने PhD टाइम पे पब्लिश किए थे। मेरे गुरुजनों का बहुत बड़ा हाथ था, उन्होंने बहुत मदद की हमारी, हमको सिखाया, हमको पढ़ाया, और इस काबिल बनाया कि मैं आपके सामने आपको कुछ बता सकूं। याद रखिएगा, इंसान को या स्टूडेंट्स को कोई भी कुछ नहीं सिखा सकता, सिर्फ आप हैं जो सिखा सकते हैं अपने आप को, क्योंकि आपके पास ऐसी शक्ति है, आपके पास ऐसी मानसिक शक्ति है कि जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। बस आपको क्या चाहिए, थोड़ी सी लगन, थोड़ी सी मेहनत चाहिए। मेहनत एक ऐसी चीज है जिससे आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। उस
कुछ भी का मतलब कुछ भी हो सकता है। आप कुछ भी जॉब कर सकते हैं, कुछ भी कोर्स कर सकते हैं। बीटेक बच्चे करते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। एक टाइम पे मैं भी तैयारी करता था इंजीनियरिंग की, बट वहां पर मन नहीं लगा तो मैंने पीएचडी मैथमेटिक्स को चुना और फिर सीएसआईआर नेट जीआरएफ क्वालिफाई किया था और फिर उसके बाद मैंने फेलोशिप से पूरी पढ़ाई की। तो याद रखिए, पढ़ाई कब काम आ जाए आपको कुछ नहीं पता। आप आज जो पढ़ रहे हो सकता हो एक साल बाद आपको रिजल्ट मिल जाए, हो सकता हो 5 साल बाद रिजल्ट मिल जाए, बट जब भी आपको रिजल्ट मिलेगा यू विल बी वेरी सैटिस्फाइड। तो सबसे जरूरी चीज है कि अपने प्रयास को छोड़े मत, अपनी चीजों में लगे रहें। आपकी जो पढ़ाई है उसको ईमानदारी से करिए। याद रखिए, आपके माता पिता, आपके टीचर्स या जो भी हैं, जो भी आपके सामने हैं, वो सब ये चाहते हैं कि आप पढ़ लिख कर कुछ एक अच्छा इंसान बन जाएं, कुछ एक बड़ा कर दें, कुछ ऐसा काम कर दें कि माँ बाप का नाम रोशन हो, देश का नाम रोशन हो। आज सबसे जरूरी है हमारे देश को आगे बढ़ाना, हमारे माता पिता की सेवा करना। हमारे जो माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उन सबको प्यार करिए और हमेशा आगे बढ़िए और पढ़ाई करिए, क्योंकि हमारे माता पिता सिर्फ पढ़ाई से ही खुश होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पढ़ाई ही एक ऐसी चीज है जो मेरे बच्चे को आगे बनाएगी, आगे बचाएगी आने वाली कई मुसीबतों से, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, सोशल प्रॉब्लम्स हो। आप पढ़े लिखे होंगे तो आप जानकार होंगे, जब जानकार होंगे तो कोई भी समस्या आएगी वो आप खुद ही सुलझा देंगे, किसी और के पास नहीं जाएंगे प्रॉब्लम्स को लेकर। आपने अक्सर देखा होगा, कभी कभी रिजल्ट आता है तो हम देखते हैं इंटरनेट कैफे पे आज भी भीड़ होती है, ठीक है, लेकिन आज भी भीड़ किनकी है? केवल उनकी है जो इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। आप जानते हैं तो आपके लिए बहुत चुटकी का काम है कि आप मोबाइल खोलते हैं, लैपटॉप खोलते हैं और अपना जो है आराम से रिजल्ट या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को डाउनलोड कर देते हैं। जब मैं कैफे कभी कभी जाता हूँ किसी काम के लिए, कभी मैं प्रिंट निकालने गया, कभी कुछ काम करने गया, तो मैं अक्सर देखता हूँ कि कुछ बच्चे आज भी आते हैं और उनसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारा ये रिजल्ट निकाल दीजिए। आखिर क्यों करते हैं? क्या उन्होंने सीखा नहीं? क्या उनके पास एनवायरनमेंट नहीं? वजह कुछ भी हो सकती है, वजह पैसा भी हो सकती है, फाइनेंशियल भी हो सकती है, कुछ भी वजह हो सकती है कि वो नहीं सीख पा रहे हैं। तो याद रखिए, सीखना बहुत जरूरी है। जीवन में नई नई चीजों को सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।